एक-एक सवाल का जवाब भी दिया और गंभीरता के साथ। अगर कोई अनियमितताएं थी तो कार्रवाई करने की भी हिम्मत रखी। मगर एक चीज जो कल परसों और आज देखने को मिली हमारे विपक्ष के साथियों में, वो मेयर फ्रस्ट्रेशन है और धीरे धीरे कर अपनी पोल खोलने का काम किया। परसों बत्रा जी ने बात रखी कि कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग हुड्डा जी ने 2014 में इंट्रोड्यूस करी। आज हुड्डा जी ने खुद सदन में किताब पकड़ने के बाद जब अभय सिंह यादव जी ने कहा कि एपीएमसी एक्ट की सिफारिश भी आपने करी, फिर छाती पीट के कहा कि एपीएमसी एक्ट की भी सिफारिश हमने करी। मुझे एक चीज तो बताओ, एक कहावत है मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि मुंह लाए डूमणी गावे अचल पटे। धीरे धीरे कर अपनी सारी पोल खोल दी कि किस तरीके से इन लोगों ने इन कृषि कानूनों को देश की जनता के आगे पहले काला कानून बताया और फिर किस तरीके से मिसरिप्रेजेंट किया कि ये कानून तो केंद्र ने लाने का काम किया, एनडीए ने लाने का काम किया। मरी सदन में खड़े होकर कहते हैं कि हाँ, इसकी पहली सिफारिशें मेरे द्वारा करी। अध्यक्ष महोदय, अगर कृषि क्षेत्र के इतने हितेशी ये लोग थे तो इनको वो 10 साल भी याद रहने चाहिए जिसके अंदर सेक्शन 4, सेक्शन 6, फिर सेक्शन 9 और फिर एक्विजिशन का जब समय आता था तो निर्णय बदल लिए जाते थे और किसान की जमीन जब प्राइवेट बिल्डरों के नाम रजिस्टर हो जाती थी तो रिलीज कर करोड़ों का मुनाफा किसको दिया जाता था। मैं पूछूं सवाल, बीपीटीपी किसकी कंपनी है बताइए? प्रदेश के अंदर ग्रीन बेल्ट में किसके पेट्रोल पंप लगे बताइए? रिलायंस को 1000 एकड़ जमीन किसने एक्वायर कर जबरदस्ती किसानों से देने का काम किया? अध्यक्ष महोदय, 70,000 एकड़ से ज्यादा जमीन इस तरीके से 10 साल में लूटने का काम किया। अनूप जी ने ठीक बात कही, गीता बुक्कल जी परसों प्रेज कर रही थी, अभी सदन में नहीं है, कि उड़ा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। वो राज में एक बार नारा लगा होगा मगर 10 साल ये नारा लगा कि उड़ा तेरे राज में किसान की जमीन गई ब्याज में, किसान को ऐसे लूटा गया। अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले 1 साल में 2 फसलें प्रिक्योर जो करी हैं, खरीफ की और रबी की, कोई छोटा अमाउंट नहीं है। हरियाणा तो बहुत छोटा प्रदेश है, 2% आबादी देश की है, फिर भी 30,000 करोड़ की अलग अलग प्रकार की फसलें एमएसपी पे प्रिक्योर करने का काम किया। और हम आज भी कहते हैं, आप 1 अप्रैल से देखिएगा मंडियों में, पिछली बार कोविड में 1850 सेंटर बनाए थे, किसी किसान को रात को गेहूं लेके मंडी में नहीं सोना पड़ा। इस बार भी वो व्यवस्था बनाई, इस बार भी प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाते हैं कि जब आप मंडी में अपनी फसल लेकर आएंगे, जैसे ही आपका जे फॉर्म कटेगा, 2 दिन के अंदर आपके खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आपके पूरे मूल का हमारी सरकार करने का काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, आज रेस चल रही है कि किस तरीके से सत्ता परिवर्तन करती है। मैं हुड्डा साहब के बाद सेकंड करने के लिए कादयान साहब खड़े हुए और बहुत बड़ी बात करी। मैं मेरे ऑफिस में सुन रहा था कि आंख बंद करो, चौधरी देवीलाल जी को देखो। वो एक शख्सियत नहीं थे, वो अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था थे। अगर इस हाउस के 88 सदस्य अपनी आंख बंद कर ले तो शायद 50 की राजनीति में लाना या उनके राजनीतिक अनुभव को बढ़ाने का काम किसी ने किया तो चौधरी देवीलाल जी ने। अध्यक्ष महोदय, ये लीडर बनना चाह रहे, ये सत्ता परिवर्तन कर ये सोच रहे रात रात में खुद बन जाओ, नहीं छोरे को प्रधान बना दो। आज ये हालत है, पहले दिल्ली के दरबार में हाजिरी लगती थी, ये तो किरण चौधरी जी मानेंगी, अब नई पगड़ी पहन के G23 के दरबार में हाजिरी लग रही है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे वो दूर दूर नहीं दिख रहा,
जब ये आज हमारे खिलाफ अविश्वास ला रहे हैं, फिर शायद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास लाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पूरे 20 मिनट की अपनी बात में नेता ये बताए कि इन्हें हमारी सरकार के विरुद्ध में क्या बात करने का काम किया। नो कॉन्फिडेंस मोशन है, आपने उसमें 20 मुद्दे लिख रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, 10 साल इस प्रदेश का क्या हाल था? मैं तो गीता बुक्कल जी ने उन 250 किसानों की फोटो दिखाई, मुझे भी दुख। आज कोई भी नागरिक इस देश के अंदर अगर किसी भी विरोध प्रदर्शन में अपनी जान खोता है, हमारी सबकी संवेदनाएं उनके प्रति। मगर ये तो वो लोग हैं, जब टीचर इनके दरवाजों पर आई तो सीधी गोली मार के उनकी जान लेने का काम किया। ये तो वो लोग हैं जब हीरो होंडा के कर्मचारी धरने पर बैठे तो पार्क में पहले उनको घेरा और फिर लाठियों से पीटने का काम किया। ये तो वो लोग हैं मारुति के अंदर जाकर लाठी चार्ज करने का काम किया। मैं तो एक चीज आपको बताना चाहता हूं, किसान आए बिल्कुल रिजॉर्ट हुआ, हमने भी किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया, हमने सहानुभूति के साथ जरूर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन प्रदेश में रहे संभाल के हमने कदम उठाए। और आज भी दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का काम हमारी सरकार का है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, चलो ये बार बार मंत्री जी प्लीज वहां जाते हैं, वो गुलाब ने भी आजाद किए थे ना कश्मीर में, कश्मीर में वहां जाते ठीक होता था मिला। चल अध्यक्ष महोदय, ये सही सलाह दे रहे हैं सरकार में, टाइम लेते सलाह दे दी। चलिए अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना पूछना चाहूँ, इन लोगों ने पिछले 4-4.5 घंटों के अंदर प्रदेश की सरकार की कोई ऐसी कमी बताने का काम किया हो जिसके खिलाफ ये अविश्वास नहीं करे? आज इनने बात क्या करी कि ये हो गया ऐसे हो गया? मैं इनसे पूछता हूँ, आपकी भी सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे, पानीपत के अंदर किसके मुंह पे थप्पड़ पड़ा था? 2016 के अंदर तो आप विपक्ष में थे, नहीं उनने कहा गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा, पर्सनल तो मैं जवाब ही दे रहा हूं। 2016 के अंदर रोहतक के अंदर डी पार्क में किसके ऊपर चूड़िया फेंकने का काम किया? किसकी गाड़ी में जूते फेंके गए? आप उनको बोलने दो, जवाब बोलने से तब का विरोध जरूर होता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, क्या उनके ऊपर शाही नहीं फेंकी गई थी? विरोध करना सबका अधिकार है, मगर मर्यादा में रहकर विरोध किया जाए तो बेहतर हो। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहता हूँ, दिन किसी के पक्के नहीं है, ये कोई कुर्सी और विधानसभा की सीटी किसी की बापोती नहीं है, ये तो आज किसी की या कल किसी और की होगी। मैं आपको एक चीज जरूर बोल सकता हूँ, मगर कई बार लोग इस तरह की बातें कर जाते हैं जो वो भूल जाते हैं उनके समय में क्या हुआ। कल हमारे एक साथी ने बड़े प्यार से खड़े होकर कहा कि प्रदेश से इंडस्ट्री का पलायन हो रहा है, ये फ्लोर ऑफ द हाउस इन पार्लियामेंट कल आंसर दिया गया, और इसके अंदर हरियाणा का नाम नहीं है, जीरो इंडस्ट्री हैज मूव्ड आउट ऑफ हरियाणा, बल्कि आपकी शासित राजस्थान के अंदर 479 कंपनियों का पलायन हुआ है। आपका शासित पुडुचेरी था, छोटा सा राज्य, 31 कंपनियां छोड़ के भागी। आप खुद डाटा उठाकर देखिए, जब इस हाउस में चर्चा करते हम तो बड़ी गंभीरता के साथ आज इंडस्ट्री को लेकर आने का काम कर रहे हैं, और आज उसका नतीजा है
कि पिछले सवा साल में 17,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, जिससे लगभग 9,000 से ऊपर नए रोजगार हमारे प्रदेश में बनेंगे, उसके ऊपर गंभीर कदम हमारे प्रदेश की सरकार ने उठाया है। आज 75% युवाओं को हिस्सेदारी देने की अगर हम बात करते हैं निजी रोजगार में, जो हाँ हुड्डा जी दिखा रहे थे, हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा था, बिल्कुल गंभीरता के साथ उसको इस प्रदेश में लागू करेंगे। इंडस्ट्री के साथ अगर कोई इंडस्ट्री का विषय होगा तो जरूर चर्चा करेंगे, मगर उसको गंभीरता के साथ लागू करेंगे कि हमारा पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार दर दर की ठोकरें ना करे, उसको सक्षम बनाकर उसके हाथ में रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का काम करेंगे। आप नौकरी देने की बात करते हैं, आप मुझे ये तो डाटा दे दीजिए कि आपके 10 साल के राज में ग्रुप डी के कितने लोग नौकरी लगे थे। आज ये हालत है कि आपके पास आंकड़े नहीं है, एक नारा जरूर था हरियाणा नंबर वन का, और लोगों ने कहां लाके छोड़ा था, तीसरे स्थान पर। आपको याद होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, आज थोड़ा सा शॉर्ट, कादियान साहब ये बात कह रहे थे थोड़ा सा शॉर्ट कर कि हमने चुनाव में क्या क्या बोला, मैं एक चीज आपको विश्वास के साथ दिला सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमारी नेचुरल अलायंस है, चौधरी देवीलाल जी जनसंघ के साथ जुड़कर इस सदन में आए थे, चौटाला साहब आए थे, आज जननायक जनता पार्टी बनी तो आज हम भी खड़े और इस प्रदेश को और मजबूत बनाने के लिए खड़े, मगर इतिहास तो बताइए कांग्रेस के साथ कब खड़े हो, इतिहास तो गिनवा दो। आप तो वो लोग थे जिनने इस राजधानी को गिरवी रखने का काम शुरू कर दिया था जब चौधरी देवीलाल जी ने आपके विरुद्ध मुहिम शुरू करी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि आज केवल मात्र कांग्रेस की एक ही मंशा है कि यहां अविश्वास ना आए, यहां सत्ता परिवर्तन हो और सत्ता कांग्रेसियों के हाथ में है। मैं एक चीज जरूर बोल सकता हूं कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने छोड़ दें, मजबूती के साथ हमारा ये गठबंधन 5 साल इस प्रदेश को और आगे ले जाने का काम करेगा और मजबूती के साथ प्रदेश को नई दिशा देने का काम करेगा, प्रगति के पथ पर ले जाने का काम करेगा। और इस सदन में ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं कि आने वाली 1 तारीख से जब प्रोक्योरमेंट शुरू होगी, जो भ्रम आपने फैलाया था कि मंडियां बंद हो जाएगी, MSP खत्म हो जाएगी, हमारी सरकार मंडियों को और मजबूत भी बनाएगी और एक एक किसान को उसके MSP का मूल्य 2 दिन में उसके खाते में देने का काम करेगी। मैं तो एक चीज जरूर अंत में बोलूंगा, आज एक हालत विपक्ष की जरूर बन गई है, अपने हरियाणा में कहावत है। दुष्यंत जी एक मिनट, सदन 30 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है। आपने करना जी। अध्यक्ष महोदय, अपने स्टेट में कहावत है, भैंस छतरी देख के चिमक जाती है, अपना रंग देख के नहीं। आज ये हालत कई लोगों की हो चुकी है, जो हमारी पार्टी को जो केवल मात्र 2 वर्ष के अंदर बनी, आज लोगों के विश्वास पर खड़ी है, सरकार में बैठी है, उसको देख के डर जाते हैं। मैं तो आप लोगों से आग्रह करूंगा, जनता का विश्वास पहले आप लोग अपने पक्ष में करने का काम करें। आज ये हालात है कि जनता आज आपके पक्ष में नहीं है, आपका साथ लगता हुआ राजस्थान, एक साथ लगता हुआ पंजाब, आपके ही दोनों प्रदेश में पार्टी का शासन है। मैं तो आपसे आग्रह भी करता हूं और इस फ्लोर पे आपको चैलेंज भी करता हूं कि 1 तारीख से प्रोक्योरमेंट शुरू करवाओ और वहां पर भी ग्वार बाजरे की, आज वहां पर हम बात करें जो 6 फसलें हरियाणा प्रोक्योर कर रहा है MSP पर, आप अनाउंसमेंट करवा कर दिखा दो कि इस बार चना भी MSP पे खरीदा जाएगा, दाल भी MSP पे खरीदी जाएगी। और तो और हम तो हौसले के साथ कहते हैं इस बार जो खरीदेंगे, आप अनाउंसमेंट तो कराकर पंजाब में राजस्थान में दिखाओ, वहां के किसान को हौसला तो दो। हम तो अपने किसान के प्रति संबंधित है, मुझे याद है 5 साल पहले टमाटर सड़कों पर दादरी में गिरा करता था, सोमवीर जी बैठे हैं, पिछले साल हमें ये पता चला भावंतर के अंदर ना उनका टमाटर उठाकर भावंतर योजना के तहत हमने राजस्थान की फैक्ट्रियों में बेचा। हमारी सरकार गंभीर है कि केवल मात्र ये 5-6 फसलें नहीं, चाहे सब्जियां,
चाहे और ऐसी प्रोड्यूस हो जो किसान की मेहनत से लगन से आज उगता है, उसको पूरा भाव देने का काम करें। और मैं तो शकुंतला खटक जी की उस कविता का धन्यवाद करूँगा जो पढ़ते पढ़ते वो इतनी भावुक होगी कि वो बताने लगी खेती कर कर देखो, खेती कर कर देखो। मैं तो विपक्ष के साथियों को बोलूँगा ये गमले में ग्रास वीट उगाड़ कर छोड़ दो, आ जाओ खेतों में जाओ, किसान की समस्या सुनो। अगर वीट ग्रास का पानी गमले वाले गेहूँ से पियोगे तो फिर किसान की लड़ाई नहीं लड़ पाओगे। इसलिए आप लोगों को पहले अपने नेतृत्व में विश्वास लेना चाहिए। मैं इसके साथ इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का विरोध करता हूं और आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार मजबूती के साथ 5 साल पूरा करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।